हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, अपनी बाइक ड्यूक में एक नई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैंने जब से बाइक खरीदी, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। जैसे कि पहले इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें ऑयल लीकेज था, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि इंजन पर से कहीं पर से ऑयल लीक कर रहा था। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो इसमें आई वो आई फ्यूल पंप वाली, कि बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, बार बार बंद हो जाती थी। तो उसको मैंने सॉल्व कराया KTM सर्विस सेंटर ले जाके। फिर तीसरी प्रॉब्लम आई इसमें ऑयल सील, फोर्क ऑयल सील इसकी एक साल के अंदर ही लीक कर गई, तो अभी वो भी मैं जल्दी फिक्स करा के आया हूँ। तो गाइस, अब जो नई प्रॉब्लम बाइक में आ रही है वो ये है कि बाइक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, करीब 3-4 दिन से अपनी बाइक यहीं पर खड़ी हुई है, और बाइक में जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें सीट पर के नीचे से कट कट की आवाज़ आ रही है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सर्विस सेंटर है नहीं KTM का, तो मैंने लखनऊ में बात करी तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बैटरी चार्ज करा करके देखिए। तो मैंने अभी ये बैटरी इसके लिए के गया था सर्विस सेंटर पर यहीं पर, तो चार्ज कराई तो बैटरी तो फुल चार्ज है अपनी, और उसके बाद मैं इसको मतलब धक्का दे के भी स्टार्ट कर रहा हूँ तब भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब उन्होंने एक नई चीज़ बताई है कि आप बैटरी लगा लीजिए, उसके बाद किसी मैकेनिक को, लोकल मैकेनिक को यहाँ के ला के, और पेचकस मतलब इसमें दोनों टर्मिनल से डायरेक्ट स्टार्ट करके बाइक देखिए। तो आगे हम लोग वो भी करके देखते हैं कि उससे शायद बाइक स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर सर्विस सेंटर लेकर चलते हैं। शायद कोई रिले होता है बाइक में, इसका जो सेल्फ का रिले है वो शायद ख़राब हो गया है। तो मैं बैटरी दोबारा भी लगा के आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम लोग देखते हैं, जिस दिन टाइम मिलता है तो लेकर चलते हैं। बैटरी तो लग चुकी है बाइक में, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बाइक में, स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अब आप आवाज सुन सकते हैं, ये देखिए कट कट की आवाज आ रही है, गाड़ी मतलब सेल्फ नहीं ले रही है।